अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह सब होंगे ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरा ईद का व्लॉग। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे हैं छोटे और ये जो है हमें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तंग, और ये मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। देखिए इनके लग गई है, क्या हो गया, ये तंग कर रहे हैं। और ये आप जैसा कि देख सकते हैं अभी पूरा कमरा जो है वो फैला हुआ है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करेंगे अपने कमरे को सेट। तो ये मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ बेडशीट, ये जो है मैं हमेशा बिछाती हूँ ईद हो या बकरा ईद हो तो ये मैं ज़रूर इसको बिछाती हूँ ताकि इसकी हो सके वसूली, क्योंकि ये मैंने अपनी वेडिंग पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी ली थी, तो मैं अब इसकी करती हूँ जो है ना वो वसूली। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैं आपको दिखा दूँ कि हमने लगवा ली है मेहंदी और हम रेडी हो रहे हैं बकरा ईद के लिए। ये आप देख सकते हैं इस वाले हाथ पर मेहंदी और ये दूसरे वाले हाथ पर मेहंदी, और ये मैंने स्पेशली बनवाया है ईद उल अज़हा के लिए। ये आप देख सकते हैं ईद उल अज़हा के लिए यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवाई है, और एज अ ट्रेंड ये मैंने एक और मेहंदी ये अंदर लगवाया है। इसके साथ साथ चलते हैं हम बेडशीट की तरफ, वापस आते हैं और करते हैं अपने कमरे को सेट। और ये जो है ना वो देख रहे हैं पोएम मैंने कर दी है, पोएम की आवाज़ को म्यूट, क्योंकि यार ये आ जाता है कॉपीराइट क्लेम दे देता है, तो इस वजह से हमने कर दी। और ये जो है ना वो गौर गौर से देख रहे हैं कि ये क्या हो चुका है, आवाज़ क्यों नहीं है पोएम के अंदर। और साथ साथ में ये देख सकते हैं ये भी आए हैं खेलने, अजलान हाय कहो, हाय ऐसे करो, चले इसको इग्नोर कर, ये नहीं कर रहा है। और जी हम आ गए हैं अपनी गाय को देखने, और ये कर रही हैं यहाँ पर आराम, बड़े ही मज़े से बड़े ही सुकून के साथ ये बैठी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी क्या हो रहा है, खामोश है अभी ये, बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोली, इससे पहले कि कुछ करे मैं यहाँ से जाती हूँ। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बिछा ली है बड़ी ही प्यारी सी अपनी वेडिंग की बेडशीट, और इसके साथ साथ जो है वो हम तैयारी करते रहते हैं बकरा ईद की, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े मज़े के खाने। जैसे कि आपको पता है कि आ रही है बकरा ईद, आ नहीं रही बल्कि आ गई है बकरा ईद, आज है चांद रात और बकरा ईद आ गई है, और बहुत मज़े मज़े के हर जगह पे बनते हैं खाने, और सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो बकरा ईद में वाकई में खानों का ही आता है। इसके साथ मैं आपको ले चलती हूँ अपने स्टोर रूम में, और यहाँ पर दिखाती हूँ कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं ये प्यारा सा ड्रेस। ये आप देख सकते हैं ये है मेरे मुन्ने का, बालाज का, और ये हस्बैंड का, और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया है अपना ड्रेस को हैंग। जब मैं वेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि बाय लुकिंग ये किस तरह का। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते, ये मेरे पास हर जगह आ जाते। जी क्या हो गया आपको। तो ये ना मेरे साथ हमेशा मौजूद है, और ना मेरे बस पीछे पीछे इन लोगों इन्होंने जो है ना वो टहलना होता है, घूमना होता है, मुझे परेशान करना होता है। हम ये निकाल चुके हैं अपनी ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारे जो है वो है सूट, पर्स, ज्वेलरी, परफ्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने निकाल कर कर लिए हैं कल की तैयारी, और हम लोग जो है वो कल करेंगे अब आपके साथ बाकी का व्लॉग शेयर। तब तक आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।